हेलो दोस्तों, नाउ आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अशोक। आज की क्लास में अग्निवीर क्लास में जो सबसे क्लास वन हमारी नाउन से रिलेटेड होगी, जो मैंने सिलेबस आप लोगों को नोट करवाया था कि सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मीन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो नाउन है। नाउन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ नाउन के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आज देखते हैं सबसे पहले कि नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, noun is the name of a person, place, thing, quality, quality, action, इन सभी को क्या बोलते हैं हम, noun बोलते हैं। किसी भी person का नाम हो, place का नाम हो, thing का नाम हो, कोई quality हो, कोई action की बात कर रहा हो, means that is called noun, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। और इसकी कैटेगरी कितनी, इसके काइंड्स कितने, 5 काइंड्स हैं। जो फर्स्ट क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन, फर्स्ट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन, सेकंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन, थर्ड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, एंड लास्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सभी नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन हैं, इनको 2 पार्ट में रखा गया है। मतलब फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो कहलाता है काउंटेबल नाउन। थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन आएंगे उस पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो 2 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब हमें यह भी समझना होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब द नाउन्स विच आर काउंटेड, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, द नाउन्स विच कांट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ये जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन मैंने लिखा है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन में आता है, कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन में आता है, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन में आता है, ये जो 4th है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मींस ये 2 हमारे हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान समझिएगा। और जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये क्या हो जाएंगे, काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। मींस 2 पार्ट जो किए गए, जो 2 कैटेगरी की गई है नाउन की, फर्स्ट काउंटेबल नाउन और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में कौन कौन आ जाएगा, प्रॉपर नाउन आ जाएगा, कॉमन नाउन आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन आ जाएगा, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन आ जाएगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। तो हमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जब हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे कि कभी भी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट का प्लूरल नहीं होता, ठीक है। प्लूरल किसका बन सकता है, केवल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का ही हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, ना कि अनकाउंटेबल नाउन का। तो ये बात हो गई नाउन से रिलेटेड कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं, नाउन के 5 काइंड्स को कितनी कैटेगरी में किया कैटेगराइज किया गया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में कौन सा आता है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन यदि एग्जांपल हम बोले तो पेन क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा, बॉय क्या हो जाएगा,
काउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा, गर्ल क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल में क्या हो जाएगा, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मिल्क है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन है। आयरन है, अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड है, अनकाउंट। अब क्योंकि ये सारे नाउन जो किसमें आ रहे हैं, मटेरियल नाउन में आ रहे हैं, तो जब मटेरियल नाउन है तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। तो जब कभी कोई मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो किसमें आ जाता है, मटेरियल अनकाउंटेबल में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो ये हो गया हमारा नाउन की काइंड्स ऑफ नाउन कौन, और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कि नाउन का जो नंबर क्या होता है, कितने नंबर होते हैं, नंबर किसे कहते हैं, कितने टाइप्स होते हैं नंबर के, थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर, अब सबसे पहले हमें समझना है कि नंबर किसे कहते हैं, तो नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। यदि नंबर की डिफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, द नाउन्स, नाउन विच विच टेल्स, नाउन विच टेल्स अबाउट वन आर मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर, इस कॉल नंबर। देखो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जो भी नाउन एक के बारे में या एक से ज्यादा के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ये ध्यान रखना होगा। अब नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, सिंगुलर नंबर। पहला क्या कहलाता है, सिंगुलर नंबर। दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर, ठीक है, प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, कि द नाउन विच टेल्स अबाउट ओनली वन, जो नाउन केवल एक के बारे में बताते हैं, आप लिख सकते हैं द नाउन विच टेल्स अबाउट ओनली वन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। और सेम डिफिनेशन यहां प्लूरल में भी रहेगी, द नाउन विच टेल्स अबाउट मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, ठीक है। तो ये हमें ये समझना होगा कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। देखिए जो नाउन से रिलेटेड जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नाउन और नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नाउन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो कलेक्टिव नाउन से बनेंगे या फिर कॉमन नाउन से, और इधर जो नंबर में है वो हमारा नंबर से ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि नंबर क्या होता है, नाउन विच टेल्स अबाउट वन आर मोर देन वन, उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर कहते हैं। नंबर के कितने काइंड्स हैं, टू काइंड्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है, कि द नाउन विच टेल्स अबाउट ओनली वन, जो केवल एक के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। और द नाउन विच टेल्स अबाउट मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, मीन जो एक से ज्यादा के बारे में बताते हैं उसे क्या कहते हैं, हम प्लूरल नंबर कहते हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा, और इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे कुछ रूल्स नंबर से रिलेटेड और मैं एक्सप्लेन कर दूं, ओके। चलिए अब देखते हैं कि नंबर को कैसे हम चेंज करते हैं, मीन सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में हमको चेंज करना है तो किस तरीके से उसको हम चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। ध्यान से समझिएगा इस रूल को, कि कैसे आप किसी भी सिंगुलर नाउन को
प्लूरल सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस बात को ध्यान समझिएगा कि किस रूल के अकॉर्डिंग कब किस रूल के अकॉर्डिंग कैसे इसको चेंज करेंगे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चाहें तो इसको रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 डाल के भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि कब हम सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो एक तो जनरल रूल होता है, एक कॉमन रूल होता है कि बाई एडिंग एस In the end of the singular number. Means singular number एक कोई दिया हुआ है, उसके end में हम s add करके rule number 1 आप लिख सकते हैं by adding s in the end of the noun we can change a singular number into plural number. जैसे यहाँ पे example दे दिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसे यहाँ पर दिया हुआ है बॉय, तो ये हमें बॉय सिंगुलर है, अब बॉय लिख देते हैं, इसको हमें प्लूरल में बदलना है तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, एस मैंने ऐड कर दिया। जैसे है गर्ल, गर्ल को हमें प्लूरल में करना है तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स। ठीक है, ये प्लूरल नंबर, ये सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर। ठीक है, तो एक तो बहुत ही बेसिक रूल है कि बाय एडिंग एस वी कैन चेंज अ सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। आई थिंक ये रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दूसरा रूल देखिए, अब इसमें कितने भी सेंटेंस कितने भी वर्ड्स आप कर सकते हो। पेन में क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। ठीक है, बुक में क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। ठीक है, मींस बाय एडिंग यस वी कैन चेंज अ सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 2 आप लिख सकते हैं यहां पर कि इफ देयर विल बी गिवन वाई इन द एंड ऑफ द नाउन एंड बिफोर वाई देयर विल बी गिवन अ वोवेल, देयर विल बी गिवन अ वोवेल, तो हाउ विल यू चेंज दिस सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। एक फिर से इसको सुन लीजिए कि इफ देयर विल बी गिवन वाई, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यदि किसी भी वर्ड के एंड में या किसी भी वर्ड के एंड में क्या दिया होगा, वाई दिया होगा, और वाई के पहले क्या दिया होगा, कॉन्सोनेंट दिया होगा। बिफोर वाई क्या दिया होगा, बिफोर वाई विल बी कॉन्सोनेंट। ध्यान से समझिएगा, आप चाहे तो लिख लीजिए कि इफ देयर विल बी गिवन वाई इन द एंड ऑफ नाउन, किसी भी नाउन के अंत में वाई दिया हो और बिफोर वाई मतलब वाई से पहले क्या हो, कोई कंसोनेंट हो, तो ऐसे भी ऐसे नाउन को जब आप प्लूरल में चेंज करेंगे तो जो वाई है किसमें बदल जाएगा, आई ई एस में बदल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब इंड में क्या दिया हुआ है, वाई, और वाई से पहले क्या दिया हुआ है, कोई कंसोनेंट है, तो जो वाई आया है लास्ट में वो किसमें बदल जाएगा, आई ई एस में बदल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से बदलता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल मैंने लिखा आर्मी, देखो वर्ड है आर्मी, नाउन क्या है, आर्मी, और एंड में क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ, वाई के पहले क्या दिया हुआ, कंसोनेंट दिया हुआ। रूल मैंने यही बताया कि यदि एंड में वाई दिया हुआ होगा और वाई से पहले क्या आया होगा, कंसोनेंट आया होगा, तो हम वाई को किस में बदल देंगे, आई ई एस में बदल देंगे। इस तरीके से हम प्लूरल बना सकते हैं, तो हमारा आर्मी का प्लूरल क्या हो जाएगा, आर्मी, ए आर एम लिख करके वाई को किस में बदल दिया, आई ई एस में बदल दिया, तो ये बन गया आर्मीज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बेबी, देखो एंड में क्या है, वाई दिया है, y से पहले क्या है, कंसोनेंट है, तो जब कंसोनेंट आ जाएगा तो y किस में बदल जाएगा, आई ई एस में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी ए बी तो हम लिखेंगे और y किस में बदल देंगे, आई ई एस में बदल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बेबीज। ठीक है, और जैसे वर्ड एक दिया हुआ है लेडी, ठीक है, मींस ऐसे कितने भी वर्ड आ जाए, कितने भी नाउन आ जाए, ये एंड में y दिया हुआ है तो और उसके पहले क्या है, कंसोनेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वाई को आई ई एस में बदल देंगे और वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज। ठीक है, क्योंकि यहां वाई है, वाई को हमने किसमें बदल दिया, आई ई एस में बदल दिया। जैसे आर्मी हो गया, बेबी हो गया, लेडी हो गया, और यहां पर लिख सकते हैं लिली, एक और वर्ड ले लेते हैं लिली। ठीक है,
ठीक है, एंड में वाई है और उसके पहले कंसोनेंट है, तो क्या हो जाएगा एल आई एल आई ई एस। ठीक है, मीन्स ऐसे कितने भी वर्ड्स क्यों ना आ जाए सभी को हम बहुत ही आसानी से चेंज कर लेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए कि यदि एंड में वाई है, वाई से पहले कंसोनेंट है, तो वाई चेंज इनटू आई ई एस, वाई को किसमें बदल देंगे आई ई एस में बदल देंगे, और आसानी से उसको सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में हम चेंज कर सकते हैं, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट रूल अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट रूल में क्या दिया हुआ होगा। कैन आई रेज इट, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेज करता हूं। ठीक है, चलिए जस्ट इसी से रिलेटेड सेंटेंस है, रूल नंबर थर्ड हम यहां पे डाल रहे हैं कि यदि किसी भी वर्ड में किसी भी नाउन के अंत में वाई दिया हुआ, अभी मैंने बताया था कि अंत में y दिया हुआ हो और y से पहले कंसोनेंट आया हो तो y को आप किसमें चेंज करेंगे आई ई एस में चेंज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि अंत में y दिया हुआ हो लेकिन y से पहले क्या आया हो वॉवेल आया हो, क्या आया हो वॉवेल आया हो, बस यही रूल है। रूल नंबर थर्ड में इफ देयर इज गिवेन वाई इन द एंड ऑफ द नाउन बट बिफोर वाई देयर इज गिवेन एनी वॉवेल, मतलब वाई से पहले क्या आ जाए कोई वॉवेल आ जाए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे वाई को आई ई एस में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि केवल एंड में हम क्या करेंगे एस ऐड कर देंगे, एस ऐड करके हम क्या कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। आई थिंक रूल आपको समझ में आया होगा, इफ देयर विल बी गिवेन वाई इन द एंड ऑफ द नाउन, किसी भी नाउन के अंत में वाई दिया हुआ हो और उसके पहले क्या आ जाए वॉवेल, वॉवेल दिया हुआ हो, तो यदि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे केवल एस ऐड करेंगे और आसानी से इसको बना लेंगे। एग्जाम्पल देखें, आप एग्जाम्पल नोट करते रूल भी आप लिख लीजिए, इफ देयर इज गिवेन वाई, अंत में वाई है, वाई से पहले आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं इन द एंड वाई और बिफोर वाई इज वॉवेल, बस शॉर्ट में नोट करिए और एग्जांपल लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंड में वाई है, वाई से पहले कोई वॉवेल हो, एग्जांपल देखिए यहाँ पे बेटा टॉय, मैंने क्या लिखा टॉय, अब देखिए एंड में क्या दिया हुआ वाई दिया हुआ और वाई से पहले क्या दिया हुआ है ओ, वो इज अ वॉवेल, ये क्या है वॉवेल है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा केवल एस लगा देंगे टॉयज। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एक और, रे किरे जिसको कहते हैं, एंड में वाई है, वाई से पहले क्या ए है वॉवेल आ गया, तो क्या कर देंगे इसको हम रेज। ठीक है, तो केवल एस मैंने ऐड किया और कुछ नहीं, वाई को आई ई एस में यहां नहीं चेंज करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कंसोनेंट है तो वाई क्या हो जाएगा आई ई एस में, ये वॉवेल है तो केवल क्या लगा देंगे एस लगा देंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे दिया हुआ है वर्ड मंकी, मंकी एंड में क्या दिया है वाई दिया हुआ है, वाई से पहले क्या है वॉवेल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे केवल एस ऐड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए, तो प्लूरल हमारा क्या हो जाएगा मंकी, लिखने के बाद क्या कर देंगे एस लगा देंगे। और जैसे वर्ड एक दिया हुआ है की, एंड में क्या है वाई, वाई से पहले क्या है वॉवेल है ई है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा केवल एस लगा देंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, यदि एंड में वाई है, वाई से पहले कोई वॉवेल है, तो कुछ भी ना करके केवल एस को ऐड करके हम क्या कर देंगे सिंगुलर को प्लूरल बना देंगे। आई थिंक ये रूल आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करते चले ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो रूल नंबर थर्ड हो जाता है, अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर फोर की तरफ, देखते हैं रूल नंबर फोर में क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। देखो यदि किसी भी रूल नंबर फोर आप कहीं डाल दीजिए, रूल नंबर फोर कैसे सिंगुलर को चेंज करेंगे प्लूरल में, रूल नंबर फोर में समझिए, इफ देयर इज गिवेन ओ, इफ देयर इज गिवेन ओ, ध्यान समझिएगा, यदि किसी भी वर्ड में यदि किसी भी नाउन के अंत में क्या दिया हुआ हो ओ दिया हुआ हो, इसको ध्यान समझिएगा, और ओ से पहले क्या दिया हो कोई कंसोनेंट दिया हो, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए आप, इफ देयर इज गिवेन O vowel in the end of the word, but before O is there is given any consonant, so how will you change
हाउ विल यू चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। लास्ट में ओ आया हो बट ओ से पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, तो ऐसे में हम कैसे चेंज करेंगे। एग्जांपल देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इफ देयर इज गिवन ओ इन द एंड ऑफ द नाउन, इन द एंड ऑफ द वर्ड एंड बिफोर ओ इज गिवन कंसोनेंट, तो हाउ विल यू चेंज इट, कैसे चेंज करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिख दिया पोटैटो, पोटैटो देखिए ध्यान समझिएगा, पी ओ टी ओ टी ए टी ओ, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, ओ है, और ओ से पहले क्या है, कंसोनेंट है। यही मैंने बताया था कि ये ओ है, वो से पहले कंसोनेंट आया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे वर्ड्स के एंड में हमेशा क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एंड में यदि ओ है, ओ से पहले कंसोनेंट है, तो प्लूरल बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, ई एस। तो पोटैटो का क्या हो जाएगा, पोटैटोज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आराम से आप लिख सकते हो। पी ओ टी ए टी ओ मैंने लिखा, आगे क्या ऐड कर दिया, ई एस ऐड कर दिया। दूसरा वर्ड देखिए, जैसे यहां पर दिया हुआ है निग्रो, लास्ट में ओ दिया हुआ है, ओ से पहले क्या है, आर दिया हुआ है, तो फिर से वही कंडीशन, लास्ट में ओ है, ओ से पहले कंसोनेंट है, तो क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, निग्रोज, एन ई जी आर ओ ई एस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट और एक दो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दिया हुआ हीरो, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, प्लूरल बनाते समय ई एस ऐड कर देंगे, हीरोज। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैंगो, क्या हो जाएगा, मैंगोज, जी ओ ई एस लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स यदि आ जाते हैं जिनके एंड में ओ हो और ओ से पहले क्या हो, आर मींस कोई कंसोनेंट दिया हुआ हो, तो उसमें क्या करेंगे हम, केवल ई एस ऐड कर देंगे और आसानी से उसको प्लूरल नंबर में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत। जैसे पोटैटो का पोटैटोज, निग्रो का निग्रोज, हीरो का हीरोज, मैंगो का मैंगोज। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, जिसको अंग्रेजी में एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। तो इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, आप लोग उनको भी चाहे तो नोट कर लीजिए। कि जहां पे रूल मैंने बताया है कि अंत में ओ होगा, ओ से पहले कंसोनेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन वर्ड हैं, अंत में ओ तो होगा, ओ से पहले आर भी मतलब कंसोनेंट भी होगा, फिर भी वहां पर ई एस नहीं लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। वो जैसे वर्ड कौन कौन से दिए हुए होते हैं, जैसे फोटो, ठीक है, देखो लास्ट में क्या दिया हुआ है, ओ दिया है, ओ के पहले भी क्या है, कंसोनेंट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी एच ओ टी ओ एस लगेगा, केवल हम फोटोज लिखेंगे, ई एस यहां पर नहीं लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जैसे किलो, किलो, तो इसका क्या हो जाएगा, किलोज, केवल एस लगा देंगे। नेक्स्ट वर्ड है जैसे पियानो, तो क्या हो जाएगा, पियानोज, ठीक है। यहां पर कहीं पर भी आप एस ई एस नहीं यूज करेंगे। एक वर्ड जैसे और आता है डायनमो, ठीक है, डायनमो, डायनमो क्या हो जाएगा, डायनमोस, ठीक, केवल एस लगा देंगे, डायनमोस, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को आप आसानी से बना सकते हैं, बट यहाँ कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए थे, उनको भी मैंने नोट डाउन करवा दिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, फिर मैं एक और लास्ट रूल इसमें बताना चाहता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया हो, ओके। एक और रूल इसका देख लेते हैं, एक दो रूल जो इसके लेफ्ट हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 5 हेडिंग डाल दीजिए आप, कि इफ देयर विल बी गिवन एफ आर एफ ई, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी भी नाउन के एंड में क्या दिया हो, एफ दिया हो या फिर एफ ई दिया हुआ हो, तो जब इसको हम ऐसे नाउन्स को, ऐसे वर्ड्स को जब प्लूरल में चेंज करेंगे, तो
एफ या एफ ई को किसमें चेंज कर देंगे हम, वी ई एस में। ध्यान से समझिएगा कि इफ देयर इज गिवेन एफ एंड एफ ई इन द एंड ऑफ द नाउन इन द एंड ऑफ द वर्ड तो यू विल चेंज एफ आर एफ ई इनटू वी ई एस। यदि एफ या एफ ई दिया हुआ है तो उसको किसमें चेंज कर देंगे, वी ई एस में चेंज कर देंगे और इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसके देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल एक तो देख लेते हैं। जैसे वर्ड दिया हुआ है काफ, सी ए एल एफ। अब देखिए एंड में क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ये सिंगुलर नंबर है। अब इसको हमें प्लूरल नंबर में चेंज करना है तो काफ का क्या हो जाएगा, सी ए एल तो रहेगा यही सी ए एल, और एफ जो आया हुआ है उसके प्लेस पे क्या कर देंगे, वी ई एस लिख देंगे, काफ। ठीक है, काफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, काफ्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जैसे दिया हुआ है लाइफ, तो एफ ही आ गया। देखो यहां केवल एफ आया था, यहां क्या आ गया, एफ ही आ गया, तो क्या हो जाएगा, वी ई एस में बदल गया, लाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जैसे वाइफ, तो क्या एफ ही फिर से आ गया, क्या हो जाएगा, वाइफ। ठीक है, और एक वर्ड जैसे यहां पर दिया हुआ हाफ, एफ आ गया तो क्या हो जाएगा, एच ए एल वी ई एस, हाफ। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, मतलब यदि एफ आ जाए, एफ ई आ जाए तो उसको किसमें बदल देंगे हम, वी ई एस में बदल देंगे और आसानी से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो समझनी है, कुछ इस रूल के भी एक्सेप्शंस होते हैं, यदि वो एक्सेप्शंस वर्ड्स आ जाएंगे तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और एक बात बहुत जरूरी कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। ओके, अब इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं, मतलब जो अपवाद होते हैं इस रूल के, जिन पे ये रूल फॉलो नहीं होता। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है चीफ, ठीक है, सी एच आई ई एफ। अब एंड में एफ तो है लेकिन प्लूरल बनाते समय इसमें हम एफ को वी ई एस में चेंज नहीं करेंगे, केवल एस लगा देंगे। यहां पर चीफ का प्लूरल बनाते समय क्या हो जाएगा, केवल एस लगेगा, ये बात हमें ध्यान रखना होगा। एक वर्ड जैसे और दिया हुआ है बिलीफ, ठीक है, तो बिलीफ दिया हुआ है तो आईई है, बिलीफ दिया हुआ क्या हो जाएगा, बिलीव्स। ठीक है, यहां पर भी आप एफ को वी ई एस में चेंज नहीं करोगे। नेक्स्ट वर्ड जैसे दिया हुआ है डॉफ, डी डब्ल्यू ए आर एफ, डॉफ, तो क्या हो जाएगा, डॉफ्स। ठीक है, केवल एस लगा दिया। और एक वर्ड है जैसे दिया हुआ है प्रूफ, इधर मैं लिख देता हूं प्रूफ, क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, प्रूफ्स। ठीक है, बाई एडिंग ओनली यस, तो ये जो वर्ड है चीफ है, बिलीफ है, ड्वाफ है, प्रूफ है, ईटीसी, ये वर्ड जो है केवल आप यहाँ पर यस ऐड करके आप सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे, इसमें आप बिल्कुल भी वी ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बस एक लास्ट रूल इसका और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट रूल और देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछा जाता भी है। ठीक है, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन नंबर को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे सिंगुलर नंबर से आप प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे। एक जो रूल है लास्ट रूल, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, रूल नंबर 6 में, कि यदि किसी भी वर्ड्स के एंड में क्या क्या दिया हो, जैसे एस दिया हो, एस एस दिया हुआ हो, एस एच दिया हुआ हो, सी एच आ जाए, यक्स आ जाए और जेड आ जाए, ठीक है, तो यदि कभी किसी भी वर्ड के एंड में क्या क्या दिया हो, यस आ जाए, एस एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, यक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो क्या करेंगे, इनके एंड में हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे। इफ यू वांट टू चेंज सच टाइप नाउन्स इनटू प्लूरल नंबर बाय एडिंग ई एस, वी कैन चेंज दीज वर्ड इनटू प्लूरल नंबर बाय एडिंग ई एस। ऐसे में क्या करेंगे, ई एस ऐड करके हम किसी भी सिंगुलर को किसमें चेंज कर सकते हैं, प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स, जैसे यहां पर दिया हुआ है बस।
अब बस को हमें प्लूरल नंबर में बदलना है तो क्या हो जाएगा, बी यू एस लिखेंगे बट एंड में क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे, बसेस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जैसे दिया हुआ है, यहां पर सिंगल एस था, अब ये कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें डबल एस है, जैसे ग्लास, ठीक है, देखिए डबल एस आ गया, एस 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 एच एस एस डबल एस आ गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सी जी एल ए डबल एस ई एस ग्लासेस, ठीक है, एस आ जाए या फिर डबल एस आ जाए, आगे क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे दिया हुआ है डिश, डी आई एस एच, अब यहाँ एस एच आ गया देखो, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, ई एस, केवल ई एस, मतलब डिश था एस एच आया, एस आया डबल एस है या फिर एस एच है तो ई एस ऐड करेंगे, या फिर सी एच आ जाए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक लेते हैं बेंच, सी एच आ गया, यस एच, तो बेंच का क्या हो जाएगा, बेंचेस, सी एच के बाद क्या लगा देंगे, ई एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, ठीक है। और यदि किसी भी नाउन के एंड में क्या आ जाए, एक्स आ जाए, जैसे एग्जांपल यहां पर एक लेते हैं टैक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, टैक्सेस, ठीक है, ई एस लगा दिया। तो जहां जहां पर हम देखेंगे कि एक्स आया, सी एच आया, एस एच आया, डबल एस, यस, सभी के एंड में हमने किसका यूज कर दिया, ई एस का यूज कर दिया, ई एस का यूज। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें जेड आ जाता है, जेड आता है, जैसे क्विज, क्विज जेड आ गया लास्ट में, तो क्या ऐड कर देंगे यहां पर, जेड के बाद ई एस लगा दिया। तो स्टूडेंट्स ये सारे रूल्स है, मीन्स कैसे आप एक सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और तब तक आप हमारा चैनल जरूर जरूर शेयर कर लीजिएगा, यदि नहीं शेयर किए तो अभी शेयर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।